हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय बल तथा गति के नियम, और इसमें हमने एग्जांपल के क्वेश्चन में 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आज। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उससे पीछे गिरता है, इसका अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति। तो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जड़त्व का जो नियम है वो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आएगा। तो क्या है वो? त्वरित है, त्वरित गति में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक समान अवंदित वृत्ताकार नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षितिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वेग को, उस गति को बनाए रखने के आवश्यक बल कितना होगा बच्चों? तो ये होगा 0 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वो घर्षणहीन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है बच्चों, ये आपको बताना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक, यही इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक से भरा जल, यानी अचानक ब्रेक लगने पर टैंक से भरा जल कहाँ गति करेगा? तो ये तो सीधा सीधा आपको पता है कि पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर गति करेगा, क्योंकि वो आगे की ओर चल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट होता है वीडियो का ही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।